आमेर रोड के प्रभातपुरी के झरने में 3 साल बाद भरपूर पानी आया है। झरना पूरी गति से बह रहा है, जहां लोगों की भीड़ उमड़ रही है। प्रभातपुरी का खोरा जयपुर के वैष्णो देवी धाम के नाम से जाना जाता है, जहां जम्मू की वैष्णो देवी की तर्ज पर ही गुफा के अंदर सैकड़ों साल पुराना माता का मंदिर है। हजारों लोगों की भीड़ के बावजूद यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, खासकर महिलाएं इस बात को लेकर प्रशासन से खफा है। ऊंची चढ़ाई, उबड़ खाबड़ रास्ते, चारों ओर पहाड़ जहां बादल आराम करते नजर आते हैं। जंगल के बीच से गुजरकर आप पहुंचते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में। जी हां, जम्मू के कटरा में जो वैष्णो देवी का मंदिर है, वैसा ही एक मंदिर आमेर रोड स्थित गुजर घाटी की गुफा में भी है। ये मंदिर कितने साल पुराना है, इसकी ठीक जानकारी तो किसी को नहीं, लेकिन मान्यता है कि रियासत काल से पहले से इसका अस्तित्व है। यहाँ कई साधु महात्मा तपस्या किया करते थे, यहाँ रहने वाले पुराने लोग ऐसा बताते हैं। प्रभात नाम के महात्मा यहाँ काफी समय तक रुके और उन्हीं के नाम पर इसका वर्तमान प्रचलित नाम पड़ा। वैष्णो देवी की गुफा में 24 घंटे अनवरत ज्योत जलती है, दोनों समय विधि विधान से पूजा होती है। बरसात चलता है, कम से कम 4-5 महीने तक पानी हमारे को मिल जाता है इसके कारण। कितने लोग आते हैं सावन में? सावन में खूब आते हैं, नहाने के हिसाब से, माता जी के हिसाब से, भोलेनाथ के हिसाब से काफी पब्लिक आती है। ये सैकड़ों वर्ष पुराना स्थान है, यहाँ वैष्णो देवी का मंदिर है और यहाँ झरना बरसों से, यहाँ जयपुर शहर के नज़दीक ऐसी कोई जगह नहीं है। आज प्राकृतिक वातावरण कहीं बचा ही नहीं है, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया स्थान है और दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा, प्राकृतिक स्थान है और देखने लायक स्थान है। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं तो, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। और यहाँ पे ये झरना है तो ये बच्चों ने पहली बार झरना देखा है और बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। साल के बाकी महीने अकेले सेवा करने वाले मुरारी को मानसून में सबका साथ मिलता है, बारिश में यहाँ के हालात और भी जुदा होते हैं। उसकी वजह है यहाँ बहने वाला झरना। मंदिर की जानकारी जिन्हें नहीं है, वो भी नेचुरल झरने का मजा लेने यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ कई झरने बहते हैं। इस साल मानसून में पानी पूरी स्पीड से आ रहा है, इतना जितना पिछले 3 सालों में नहीं आया। हर धर्म के लोग भले झरने के बहाने यहाँ आते हों, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द का नमूना इस बहाने ही सही यहाँ देखने को मिलता है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आना, बस सब मिल बांट के नहा रहे हैं, आपस के अंदर मोहब्बत का इखलाक दे रहे हैं, सब भाईचारे से नहा रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। कहते हैं कि यहाँ आकर वैष्णो देवी से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। लोगों की इतनी आवाजाही के बावजूद यहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। मंदिर में आने वाली महिलाएं इसके चलते प्रशासन से नाराज हैं। पहले एक बार आए थे पर हमें अच्छा लगा, हमें आकर्षक मिला, फिर हमने देखा कि दोबारा आना चाहिए। दोबारा आने का मौका मिला, देखा, प्रसन्न हुआ, अच्छा हुआ। महिलाओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, किस चीज की? नहाने वाली, नहाने की। बहुत ही सुंदर और हर आदमी को आकर्षण का केंद्र बना रहता है। वैष्णो देवी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और सबकी श्रद्धा है। लोग पहले बरसों पुराने पहले भी यहाँ पर किसी ने तपस्या की होगी और आज भी लोग मन अच्छा रख करके आते हैं, उनकी मनोकामना मातेश्वरी पूरी करती है, सबको अच्छा लगता है। तो ये कहना है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कि कई जो पुराने तपस्वी हैं वो यहाँ पर तपस्या कर चुके हैं और काफी प्राचीन ये मंदिर है, और जो यहाँ पर सच्चे मन से कोई दुआ मांगता है उसकी मुराद वैष्णो माता जरूर पूरी करती है। रुपेश शर्मा के साथ सुदर्शन सिंह, BTV News, जयपुर।